नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव सहानी फ्रॉम देव जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल से। स्वागत है आप सभी का देव जी टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप नया पेन ड्राइव खरीदने वाले हैं तो आपको किन किन जरूरी बातों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल पेन ड्राइव जो है बहुत जरूरी चीज हो गई है और ये सभी लोगों के पास मिल जाएगी। आप इसमें अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, कोई भी डेटा सुरक्षित रख सकते हैं। और ऑफिशियली तौर पे पेन ड्राइव का काम डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इसमें आप मूवीज, वीडियोज और इमेजेस भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप इससे कोई भी डेटा ट्रांसफर करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाल सकते हैं। तो पेन ड्राइव काफी जरूरी हो गई है। कुछ लोग पेन ड्राइव को बिना चेक किए ही ले आते हैं, बाद में पता चलता है कि उनके पेन ड्राइव में यह कमी थी, बाद में तब उनको पछताना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बता देता हूं कि आपको नए पेन ड्राइव लेने से पहले किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए इस घंटे को जरूर दबाइए। सबसे पहले आपको कितने स्पेस की पेन ड्राइव चाहिए इस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा फाइल्स, वीडियोज, मूवी और इमेज फाइल को सेव करना है तो आप हमेशा जो है ज़्यादा स्पेस वाली पेन ड्राइव करते हैं। आजकल मार्केट में आपको 4 GB से लेकर 256 GB तक की पेन ड्राइव आसानी से मिल जाएंगी। तो हमेशा कोशिश करें कि ज़्यादा स्पेस की पेन ड्राइव लें, क्योंकि इससे जो है आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब आप कम स्पेस की पेन ड्राइव घर पे ला देते हैं, बाद में आपको ज़्यादा फाइल शेयर करना होता है तो आपको जो है मुश्किल होने लगती है। तो इसलिए हमेशा जो है स्पेस को ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा स्पेस वाली पेन ड्राइव खरीदने की कोशिश करें। लेकिन एक बात और ध्यान में रखें कि बजट को ध्यान में रखते हुए पेन ड्राइव को खरीदें। पेन ड्राइव खरीदते समय हमेशा उसकी साइज पे ध्यान दें। जितनी छोटी पेन ड्राइव होगी उतनी ही आसानी से आप उसे कहीं पे ले जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, हो सके तो हमेशा फोल्डेबल पेन ड्राइव आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि ये फोल्ड होकर काफ़ी छोटा आकार बना लेती हैं, जिससे कि आप इसे आसानी से कहीं भी रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमेशा कैप वाली पेन ड्राइव आपको खरीदना चाहिए। जिस पेन ड्राइव पे आपको कैप लगा हो वो पेन ड्राइव आपको अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी पेन ड्राइव आपके डेटा को सुरक्षित रखती हैं और खुद भी सुरक्षित रहती हैं। तो हमेशा पेन ड्राइव खरीदते समय उसकी साइज पर जरूर ध्यान देना चाहिए। USB 2 या 3 करते हैं। आजकल मार्केट में दो तरह के पेन ड्राइव अवेलेबल हैं, USB 2 और 3। इसमें मैं आपको अंतर बता देता हूँ। जो USB 2 पेन ड्राइव होता है, इसमें आपको डेटा की स्पीड जो है स्लो मिलती है, डेटा ट्रांसफर वाली स्पीड जो है स्लो मिलती है। और USB 3 पेन ड्राइव जो होता है, इसमें डेटा की ट्रांसफर की स्पीड जो है हाई रहती है। तो हमेशा आपको मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि USB 3 वाली पेन ड्राइव खरीदते हैं। ये आपको महंगा पड़ेगी USB 2 पेन ड्राइव से, क्योंकि इसमें जो है डेटा ट्रांसफर रेट बहुत ज़्यादा रहता है। 100 MB/s के हिसाब से USB 3 से आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कुछ कंप्यूटर में USB 3 सपोर्ट ना होने की वजह से अगर आप उसमें USB 3 पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसमें डेटा काफ़ी स्लो ट्रांसफर होगा, क्योंकि जो है सपोर्ट नहीं करता USB 3 पेन ड्राइव को। इसलिए आपका कंप्यूटर जो है USB 3 में डेटा काफ़ी स्लो ट्रांसफर करेगा। तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखें मार्केट में जाने से पहले, कि USB 2 पेन ड्राइव लें कि USB 3 पेन ड्राइव लें, तभी आपका डेटा अच्छे से ट्रांसफर कर पाएगा आपके पेन ड्राइव से और आपको भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि आपको कौन सी पेन ड्राइव खरीदना है, USB 2 या USB 3। अच्छे ब्रांड की पेन ड्राइव हमेशा खरीदें, इससे आपका डेटा सुरक्षित रहेगा और काफ़ी लंबे समय तक आप अपनी डेटा को जो है इसमें सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि अच्छे ब्रांड में कुछ पेन ड्राइव आते हैं, सैंडिस्क के, सोनी के, टेंगो के और लेक्सर के। इन सारे कंपनियों के पेन ड्राइव काफ़ी अच्छी आती हैं, तो आप इन सारे कंपनियों के पेन ड्राइव में से किसी एक कंपनी का पेन ड्राइव आसानी से ले सकते हैं और अपने बजट के अनुसार ही आप कंपनी को सिलेक्ट करें। इसमें एक ही पेन ड्राइव आपको अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्राइस में मिल सकता है। तो हमेशा अपने बजट का ध्यान रखते हुए अच्छे क्वालिटी का और अच्छे ब्रांड का जो है पेन ड्राइव आपको खरीदना चाहिए। फ्रेंड्स, आप कभी कभी सोचते होंगे कि एक ही पेन ड्राइव एक दुकान पे कम दाम में मिल रही है और दूसरे दुकान पे ज़्यादा दाम पे क्यों मिल रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनमें काफ़ी बड़ा अंतर होता है। जो कम दाम पे पेन ड्राइव मिलती हैं उनमें जो है USB 2 पोर्ट लगा होता है, जो कि काफ़ी कम रेट में डेटा को ट्रांसफर करती हैं। और जो हाई रेट में आपको पेन ड्राइव मिलती हैं उसमें हाई रेट जो है डेटा ट्रांसफर लगा होता है, जो कि USB 3 पेन ड्राइव बोला जाता है। इसमें आप 100 MB/s के हिसाब से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो सस्ती पेन ड्राइव होती हैं, ये जो है USB 2 टाइप की पेन ड्राइव होती हैं। इसमें आप जो है 15 MB/s के हिसाब से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए एक पेन ड्राइव अलग अलग दुकान पर अलग अलग रेट में मिलती हैं, कहीं सस्ती तो कहीं महंगी मिलती हैं। तो आपको इन बातों से घबराना नहीं चाहिए, हमेशा दुकानदार से पूछ कर ही आपको पेन ड्राइव लेना चाहिए कि USB 2 पेन ड्राइव है या USB 3 पेन ड्राइव है, तभी आपको पेन ड्राइव को लेना चाहिए। क्योंकि USB 2 पेन ड्राइव जो है USB 3 के अलावा जो है स्लो होता है, और USB 3 पेन ड्राइव आपको काफी फास्ट डेटा ट्रांसफर का जो है रेट देता है। इसमें आप 100 MB/s के हिसाब से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसमें आपको घबराना नहीं चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको पेन ड्राइव खरीदने से संबंधित कुछ सवालों के जवाब दे देता हूं, ताकि जब आप मार्केट में जाएं पेन ड्राइव खरीदने तो आपको काफी आसानी हो पेन ड्राइव खरीदने में।
तो पहला सवाल है यूएसबी 2 की ट्रांसफर स्पीड कितनी होती है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स कि यूएसबी 2 की ट्रांसफर स्पीड जो है 15 MB/s होती है। दूसरा सवाल है फ्रेंड्स कि यूएसबी 3 की ट्रांसफर स्पीड कितनी होती है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स कि यूएसबी 3 की ट्रांसफर स्पीड 100 MB/s होती है। और फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन है कि यूएसबी 3 और यूएसबी 2 में से कौन सा बेस्ट पेन ड्राइव है, तो मैं इसका आंसर आपको दे देता हूँ कि यूएसबी 3 यूएसबी 2 से बेटर है, क्योंकि यूएसबी 3 पेन ड्राइव में आपको न्यू जनरेशन की पेन ड्राइव मिल जाती है और इसमें आपको डेटा ट्रांसफर रेट जो है इसका काफी हाई होता है। यूएसबी 2 में जहाँ की आप 15 MB/s के हिसाब से डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं, वहीं यूएसबी 3 में आपको 100 MB/s के हिसाब से डेटा ट्रांसफर होता है। तो हमेशा यूएसबी 3 पेन ड्राइव लेने की कोशिश करें, लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि आपका बजट जितना हो उतने में ही पेन ड्राइव लेनी चाहिए। ये नहीं कि आपका बजट कम है और आप पेन ड्राइव कोई हाई क्वालिटी का लेने वाले हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा ध्यान में रखकर पेन ड्राइव को लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ खास टिप जो मैंने आपको बता दिया कि पेन ड्राइव लेने से पहले आपको किन किन जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अब आपको पेन ड्राइव जब भी आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको काफी हेल्प होगी इस वीडियो की मदद से। अब आप इस वीडियो की मदद से आसानी से मार्केट में जाकर एक अच्छे क्वालिटी का पेन ड्राइव अपने लिए खरीद सकते हैं। और फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी आसानी से मार्केट में जाकर एक अच्छे क्वालिटी का पेन ड्राइव खरीद पाए। और फ्रेंड्स जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, यूजर आईडी मेरा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वहां पे जाइए इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इंस्टाग्राम पे भी छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स जो है शेयर करता रहता हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड मोबाइल से रिलेटेड, तो इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो कीजिए। और फ्रेंड्स जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे एक लाल कलर की सबसे बटन दिखाई देगी, वहां पे क्लिक कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में एक छोटा सा घंटे का बटन आता है, उसको भी क्लिक किया कीजिए, ताकि मैं जो फ्यूचर वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे, ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आप आसानी से देख पाएं। और फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मैं आपको देता रहता हूँ देवजी टेक्निकल चैनल पे, तो जुड़े रहिए देवजी टेक्निकल चैनल के साथ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें खुश रहें, देखते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।